राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि संघ शुरू से ही आईन समेत सभी रिजर्वेशन की हिमायत करता है। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग झूठे वीडियो फैला रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो तब तक रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ कहा है कि संघ परिवार ने कभी भी कुछ ग्रुप को दिए गए रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं की है। तो मोहन भागवत ने यह बयान दिया है रिजर्वेशन को लेकर, और उनका कहना है कि रिजर्वेशन जितनी जरूरत हो उतना बढ़ाया जाना चाहिए। तो संघ हमेशा से रिजर्वेशन की हिमायत में है, लेकिन कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं वीडियो में, जब तक जरूरत हो तब तक रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब चुनावों के मद्देनजर लगातार हम देख रहे हैं रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठता हुआ दिख रहा है। अभी मैं यहां आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बाकी अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है, और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए।